सालों से 10 साल के ऊपर हो गया वहाँ पे बैठे रहे, और वो इतना मस्ती हो गया उसको कि वो अधिकारी को घर खरीदता है, राजेंद्र लाड उसका घर उसने खरीदा, इतना ठेका कर्मचारी की औकात हो गई इतनी बड़ी, और वो लोगों को लूटता है, घरपट्टी का पेपर छुपाता है, घरपट्टी का पेपर छुपाने के बाद 6 महीने के बाद उसको बोलेंगे तुम्हारा ये पेपर रह गया वो पेपर रह गया, उसका ब्लैकमेल करके पैसा निकालेगा, और वो बोलेगा बाद में मेरे ऑफिस में आ जाओ। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने अपने चैनल पर एक खबर लगाई थी जिसमें वसई प्रभाग समिति आई, वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग समिति आई में कार्यरत एक लिपिक है जो कई सालों से एक ही जगह पर है, और वो ठेका कर्मी है, ठेके पर काम करता है, उसके बावजूद कई अनियमितता उसके मामले में सामने आ चुकी है, जिसमें मैंने ये खुलासा किया था कि अपने चैनल पर अगले के वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसका खुद का अपना उसके नाम से एक CSC सेंटर है जो कायदे अनुसार गलत है। जब कोई एक अधिकारी या कर्मचारी महानगर पालिका में एक जगह सरकारी नौकरी में अगर वो सरकारी तनख्वाह उठा रहा है तो दूसरा किसी तरह का काम नहीं कर सकता, ये कायदा बोलता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसका ये कहना है कि उसको महानगर पालिका सीधे पैसा नहीं दे रही है बल्कि ठेकेदार मार्फत उसको पैसा मिलता है, इसके लिए वो ये काम कर सकता है, ऐसा कानून विशेषज्ञ कहते हैं। ये तर्क खुद ये ठेका कर्मी कल्पेश पाटिल देता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर यही तर्क है तो वो किस चीज़ का तनख्वाह ले रहा है? महानगर पालिका में काम करने का ही तनख्वाह ले रहा है ना, तो जब महानगर पालिका में वो काम करने का तनख्वाह ले रहा है तो ऐसे में वो अपना CSC सेंटर जो कि वो भी गवर्नमेंट की ही एक दूसरी योजना है उसका लाभ कैसे उठा सकता है? और इतना ही नहीं, किसी भी सरकारी कर्मचारी को प्राइवेट शॉप खोलना भी अलाउ नहीं है, ऐसे में उसने दूसरी सरकारी योजना चला रहा है, वो एक शोचनीय विषय है। साथ ही साथ जब महानगर पालिका में वो सुबह से शाम तक ड्यूटी करता है जैसा हम उम्मीद करते हैं, हालांकि वो आता है अपनी हाजिरी लेता है और चला जाता है अपने ऑफिस पर, ये हकीकत है, लेकिन फिर भी ये कहीं पे सिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो रिकॉर्ड है उसमें ऐसा दिखाया जाएगा, उसकी बाकायदा रोज़ की हाजिरी होती है, अटेंडेंस होती है, इसके हिसाब से यही दिखाया जाएगा कि वो रोज़ महानगर पालिका में आता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब अगर कल्पेश पाटिल महानगर पालिका में रहता है तो उस समय में उसकी ID कौन यूज़ करता है, और वो CSC सेंटर पर किसी भी दाखिले का ID से उसका ऑथेंटिकेशन कैसा होता है? खैर, मेरे सवाल अपनी जगह पर है। इस समय हमारे साथ वसई भाजपा के नीलेश वर्तक है, नीलेश वर्तक भी इस मामले को लेकर आगे बढ़े हैं। कल इन्होंने वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त को निवेदन दिया, बाकायदा कंप्लेन की, और कल्पेश के पाटिल के बारे में इन्होंने महानगर पालिका आयुक्त को पूरी जानकारी दी। क्या कुछ इन्होंने कहा और उनको आयुक्त ने क्या कहा, इस पर हम चर्चा करते हैं। नीलेश जी नमस्कार। तानाजी नारे जब हम आयुक्त के पास गए तो तानाजी नारे वहाँ पे बैठे थे, उनको बोला है कल्पेश पाटिल जो है अनेक सालों से 10 साल के ऊपर हो गया वहाँ पे बैठे रहे, और वो इतना मस्ती हो गया उसको कि वो अधिकारी को घर खरीदता है, राजेंद्र लाड उसका घर उसने खरीदा, इतना ठेका कर्मचारी की औकात हो गई इतनी बड़ी, और वो लोगों को लूटता है, घरपट्टी का पेपर छुपाता है, घरपट्टी का पेपर छुपाने के बाद 6 महीने के बाद उसको बोलेगा तुम्हारा ये पेपर रह गया वो पेपर रह गया, उसका ब्लैकमेल करके पैसा निकालेगा, और वो बोलेगा बाद में मेरे ऑफिस में आ जाओ, तो उसको ऑफिस में बुलाता है और ये सब काम करता है, ऑफिस का मार्फत वो काम करता है। उसका बाद जब जब घरपट्टी हो गया उसका बाद में जो लाइसेंस लगता है उसके लिए जाता है तो भी उससे पैसा लेता है, NOC लगता है उधर भी पैसा मांगता है, वो बोलता है तानाजी नाराय को पैसा देना पड़ता है। ये तानाजी नाराय जो है वो पैसा लेने का बगैर ही काम करते, तानाजी नाराय जब नौगर के उपायुक्त थे तब वही करता था, जब लोगों का बांधकाम का जो साइन करना पड़ता है तो बांधकाम के ऊपर पैसा है तानाजी नाराय लेता था, वो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, उसको फोन करे तो फोन उठाता नहीं, उसको आयुक्त ने कल बोला इसको भी स्टिक लो काम करो कार्रवाई करो, फिर भी वो कार्रवाई करता क्यों? तो तानाजी नाराय भ्रष्टाचारी अधिकारी है, उसकी अकलपट्टी होना मांगता है। अभी मैं 2 दिन का बाद वसई भाजपा तरफे हम लोग आंदोलन करें, उसके अंदर आयुक्त का फोटो लगेगा, गिलसन का फोटो लगेगा और तानाजी नाराय का, जोड़े मारो आंदोलन हम रखने वाला है, जब तक उसको अकलपट्टी करेगा नहीं तब आंदोलन कर जारी रखने वाला है, जोड़े मारो आंदोलन है हमारा, हम ज़्यादा कुछ उसको ये करने पार नका बेस नाके पे रखने वाला है। आयुक्त ने आपको क्या कहा? आयुक्त ने उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया, इसका भी ताबड़तोब इसका इलाज करो, इसको ताबड़तोब इसको ऐसे भगा दो, ऐसा आयुक्त ने उसको बोला है, फिर भी नाराय अभी फोन नहीं उठाया, वो नाराय भ्रष्टाचारी है,
आए दिन में, और दूसरा उसके साथ में और ताना जी नारा के साथ और एक उपायुक्त है, ये दो तीन उपायुक्त ऐसे चोर है, ये आयुक्त का पास मालूम भी नहीं पड़ता है, जो बांधकाम के ऊपर अनुदित बांधकाम के ऊपर जो कार्रवाई करते हैं वो भी ऐसे से सब भ्रष्टाचारी चोर बैठे ले है, ये आयुक्त ने ध्यान देना मांगता है, इनकी जांच होना मांगता है अच्छी तरफ से, और इसको जांच हो के चौकसी लग के इसके ऊपर दंड सब कार्रवाई होना मांगता है, सत्य सत्य कार्रवाई होना मांगता है। तानाजी नारा एक नंबर का बदमाश और चोर आदमी है। तो नीलेश वर्तक ने कई आरोप लगाए, इनके आरोप अपनी जगह पर है, लेकिन हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि नीलेश वर्तक ने अभी आरोप लगाए, वो आरोप अपनी जगह पे है, लेकिन फिर भी इन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, और खासकर जिसका विषय है कल्पेश पाटिल, उसके बारे में हमने तथ्य दिए हैं, सबूत के साथ दिए हैं, और ये बात हम क्या महानगर पालिका खुद चाहे तो तहसील में पत्र व्यवहार करके सीएससी सेंटर उसके नाम पर है या नहीं है उसकी जानकारी निकाल सकती है, और उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। 10 साल से उन लोग उधर के कर्मचारी है, यहाँ का सहायक आयुक्त ने रिपोर्ट मारा नहीं, अभी जो कोई गोलअप करके आया है वो भी उधर से उनका पास पैसा ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि तो किसी का रिपोर्ट आयुक्त को अभी तक भेजा नहीं है। 10 साल से उधर कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठेका कर्मचारी को संभालने वाले ये उपायुक्त है, इसका बड़ा प्रमाण मात्र में हफ्ता जाता है, इसके लिए सब उसका खिलाफ ही पैसा जाता है, वो कायम कर्मचारी का पास से पैसा जाता नहीं, ठेका कर्मचारी वाले उनसे ही पैसा ये आयुक्त लोग लेते हैं। तो फिर उन्होंने बड़े आरोप किए, इनके आरोप को मैं अपनी तरफ से समर्थन नहीं करूंगा और ना ही उसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के पास जो जानकारी होती है, लोगों के पास जो चीज़ें सामने आती है उसके आधार पर लोग बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आयुक्त को एक बड़े स्तर पर जाँच बिठा कर इस पूरे मामले की जाँच करना चाहिए, और कल्पेश पाटिल उसको हकालपट्टी करना ही चाहिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। वीडियो में चल दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन कीजिए, चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कीजिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। अभी के लिए इतना ही। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।